अदब नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक खबर है निर्मल से, जहां पर एक 3 साल मासूम लड़की के साथ इस्मत रिजी की वारदात पेश आई। तेलंगाना निर्मल के एक इलाके में रहने वाली 3 साल लड़की जब अपने मकान के करीब खेल कूद रही थी, तब बताया जा रहा है कि 45 साल चिंताला नारायणा, जो पेशे से कूली है, उसने बहला फिसला कर लड़की को एक मकाम पर ले गया और उसके बाद लड़की की इस्मत रेजी की। इस शर्मनाक वाकये के बाद मकामी अफराद बरहम हो गए और उन्होंने मुलजिम की पिटाई तक कर दी। नाज़रीन, दरअसल ये वारदात 4 अक्टूबर की रात को पेश आई, लेकिन कम्प्लेन बताया जा रहा है कि 6 अक्टूबर की रात को दी गई। इस वारदात की तल्ला जैसे ही मकामी लोगों को मिली, वहां पर एक बड़ा हुजूम जमा हो जाता है, जिसके बाद चिंताला नारायणा की जमकर पिटाई कर दी जाती है। न सिर्फ पिटाई की जाती है, बल्कि पुलिस स्टेशन के बाहर भी अवाम की कसीर तादाद जमा हो जाती है और वो पुलिस से मुतालबा करते हैं कि इस कातिल को हमारे हवाले कर दिया जाए। बरहम अवाम और बिगड़ती हुई हालात को देखते हुए पुलिस ने भारी बंदोबस्त कर दिया और जगह जगह पर पुलिस के आला होदेदार तैनात नजर आए। पुलिस ने 45 साल चिंताला नारायणा के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत केस बुक कर लिया है, जिसमें 376(1), 376(ab) ऑफ IPC 5M और पॉस्को एक्ट 2012 शामिल है। उधर दूसरी जानिब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना निर्मल के अराकी ने बल्दिया ने मुतालबा किया है कि बच्ची के घर वालों को डबल बेडरूम फ्लैट, गवर्नमेंट जॉब, फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल दिया जाए, जबकि कलेक्टर ने आज 25,000 रूपए एक्सग्रेशिया दिया है। और भी बताया जाता है कि 1,25,000 कुल एक्सग्रेशिया इस बच्ची के घर वालों को दिए जाएंगे। नाजरीन, ऐसे वाकयात में जो इजाफा होता जा रहा है, इतने सख्त कवानीन रहने के बाद भी इंसान आज हैवान बनता हुआ नजर आ रहा है। 45 साल इस हैवान ने एक 3 साल मासूम की जिंदगी को रौन डाला। वो मासूम जो ठीक से अपने पैर पे खड़ी भी नहीं हो पाती, उसके साथ ऐसी शर्मनाक हरकत। इसके बारे में आप क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बोलो जम्मा, मेरी बच्ची बोल। मैं 11 बजे के टाइम से बच्ची खेल रही थी बाहर। कहाँ पर? बोलो, मैं चला के बस घर के बाहर खेल रही थी। तो कैसे क्या मामा की मैं क्या बोली, खाना पका के रखी बेटा, हाँ वो खेलने झूला बोलते, बोली झूले में बैठी बैठी बैठी, मामा आए होते मैं मामा मामा बोलते कि पीछे चले गई चले गई, तो मैं बोली जान है ना, भरोसा है आदमी कभी भी ऐसा नहीं करता। बोलते सोची सर का खेलने में थे बच्चे, एक नहीं तीनों थे, तीनों बच्चे थे, कुट्टी बल के था, एक अरविंद बल के बच्चा था, उनको भेज दिया मेरी बच्ची को, रख लिया जी रख लेके, ऐसा हाथ मार के ऐसा कर दिया ऐसा करा, बोल के मेरी बच्ची आके घर में बोली, घर में आके बोली तो मेरी बोली चल।